तो जी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल के ऊपर नवंबर 2022 के अंदर एक ऐसी वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है जो कि पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और लॉन्च होने के चंद दिन के अंदर ही ये वाहिद वेबसाइट है कि जिसने इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को अपनी जानम अट्रैक्ट किया है। और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी सोचती हैं कि भाई ये कौन सी ऐसी वेबसाइट आ चुकी है कि जिसने इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को अपनी जानम अट्रैक्ट किया है। तो बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है ChatGPT। तो ChatGPT है क्या, किस तरीके से आप इसका फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं, किन मकासद के लिए ChatGPT को इस्तेमाल किया जाता है और कौन सी चीज़ें हम ChatGPT के ऊपर सर्च नहीं कर सकते, इन तमाम तो सवाल के जवाब आज की वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। तो गुजारिश आपसे यही है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। भाई किसका इंतज़ार है, चलो शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब और आप देख रहे हैं मेरा बिजनेस यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और जब तक हम दुनिया के साथ नहीं चलते तो फिर दुनिया हमें भाई पीछे धकेल देती है। तो इस वजह से हमें दुनिया के साथ हमेशा चलते रहना चाहिए। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसको ज़रूर समझना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, ये चीज़ किस तरीके से हमें फ़ायदा जो है पहुंचा सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं, और आने वाले फ्यूचर के अंदर आप खुद देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई जाने वाली मुख्तलिफ वेबसाइट, मुख्तलिफ तरह के टूल, मुख्तलिफ तरह के गैजेट्स आप खुद देखेंगे कि हर जगह आपको वो दिखाई देंगे। हमारा जो मौजू है आज का वो ChatGPT है, तो इसको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही बनाया गया है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जितना बड़ा इसका नेम है उतने बड़े ही इसके काम है। तो अगर मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन वेबसाइट है, जिस जैसे दो दोस्त आपस में गुफ्तगू करते हैं, कोई एक दोस्त अपना मसला बताता है, कोई दूसरा दोस्त उसका हल बताता है, सेम यही चीज़ इस वेबसाइट पे की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कुछ टाइप करते हैं कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो इसका हल है क्या, तो वो आपको उसका आंसर जो है वो एक आर्टिकल की सूरत के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली पहले होता यह था कि जो गूगल है, गूगल के ऊपर हम अगर सर्च करते हैं हाउ टू मेक अ मनी, तो गूगल हमें कोई 1-2 लाख आर्टिकल जो है वो खोल के दे देता है कि भाई ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये वाला टॉपिक जो आपने सर्च किया है मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो होता ये कि इंसान को 4-5 आर्टिकल ओपन करता है, कोई एक आर्टिकल उसको समझ नहीं लगती, कुछ एक आर्टिकल कम जो है वर्डिंग के अंदर होता है, कुछ आर्टिकल ज़्यादा लंबे होते हैं, तो इस सूरत के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ChatGPT कैसा प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर वो देता है। ये नहीं कि आपको वो 200-300 वेबसाइट ओपन करके दे देता है कि भाई इसके ऊपर आप सर्च कर लें, आपको एक आंसर वो देता है जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर आपको वो आंसर समझ नहीं आता तो आप उस ChatGPT को कह सकते हैं कि यार ये आंसर मुझे समझ नहीं आया, आप इसको और इजी करें, तो ChatGPT उसको और ज़्यादा आसान बना देगा। तो अगर आप उससे ये कहते हैं कि भाई आपने जो आंसर दिया है ये आंसर कम है, इसको इसकी लेंथ जो है वो बढ़ाओ, तो वो उसकी लेंथ को भी बढ़ा देगा ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। बहुत ही कमाल का टूल है। और आजकल के दौर के अंदर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई मार्केटिंग कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डाटा साइंटिस्ट हो, आसानी के साथ इस टूल को इस्तेमाल कर सकता हो और इससे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, तो अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाऊँगा कि भाई ChatGPT का जो फ्री वर्जन है वो किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, और इसका जो इंटरफेस है उसको भी मैं आपको समझाऊँगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ChatGPT के ऊपर सर्च नहीं कर सकते। और एक चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ChatGPT के जो यूज़र हैं उनको फेस करना पड़ रही है, तो उनके लिए भी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की स्क्रीन पर चलते हैं। गूगल हमने ओपन कर लिया है, तो अब आपको मैं सिखाऊंगा कि ChatGPT की वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से आपने लॉग इन करना है, किस तरीके से आपने यहाँ पर पहुँचना है। अगर आप यहाँ पर सिंपल जो है ChatGPT लिखेंगे, आपने देख सकते ChatGPT चैट लिखेंगे, तो आपको इस तरह का फंक्शन जो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ChatGPT की जो मेन चैट वेबसाइट है उस पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो एक बिल्कुल सिंपल मैं आपको मेथड बताऊंगा, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया गया, वो लिंक आपने कॉपी करना है, यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये लिंक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिंक को पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इंटर का बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जिस जगह पर हमने साइन अप लॉग इन करना है। ठीक है, अब आपने लॉग इन करना है, अगर आपका अकाउंट पहले बना हो, अगर आप अकाउंट नहीं बना तो आपने साइन अप करना है। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पहले ही बना हुआ है, तो हम सिंपल यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर उन्होंने ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास अकाउंट मौजूद है तो मोस्टली जो विंडो 10 होती है उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो होता है, तो आप यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने गूगल जो है वो उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने गूगल के साथ इसको मैंने अपने कनेक्ट किया हुआ है गूगल जीमेल के साथ, तो अगर आपने साइनअप करना है तो आप डायरेक्ट साइनअप से कर सकते हैं। ये मेरी जीमेल है तो यहाँ से मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। तो जीवज अब हमारी जो चैट जीपीटी की वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह का कुछ इंटरफेस इसके पास है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तमाम तर चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इंटरफेस जो है हमारे पास ये इसको समझेंगे। तो बेसिकली चैट जीपीटी एक ऐसा वेबसाइट है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बात की, एक फ्रेंड की तरह है, एक दोस्त की तरह है जो कि आपके हर सवाल का जवाब आपको देता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी लिखी गई हैं। अब चैट जीपीटी को ना सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि इसको जो है वो कोडिंग के लिए भी इस्तेमाल, आप इसके थ्रू वेबसाइट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पर उन्होंने टाइप किया हुआ है। तो जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करते हैं यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आप इस तरह के जो है वो रिसर्च कर सकते हैं डाटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक अ मनी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखा हुआ हाउ टू मेक अ मनी, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर क्वेश्चन आपने लिखना है सर्च बार के अंदर और यहाँ पर जो एक पोर्शन बना हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप चैट जीपीटी मुझे इसका आंसर देना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये आंसर जितना लंबा हो जाए उसकी चैट जीपीटी की अपनी मर्जी है, जितना मर्जी इसको लंबा बना दे, और अगर आपको ये कम लगता है तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताए। अब यहाँ पर उसने मुझे आंसर, ये मैंने मेरा क्वेश्चन था हाउ टू मेक अ मनी, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी स्किल जो है बताई जिसके थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ, गेट अ जॉब, स्टार्ट अ बिजनेस, फ्रीलांसिंग, गिग वर्क, सेल आइटम्स ऑनलाइन, इन्वेस्ट स्टॉक ओवर रियल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने 5 मुझे स्टेप बताए हैं जिनके थ्रू मैं पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये 2 लाइनों का है, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला पोर्शन जो है वो, फॉर एग्जांपल हम ये वाला ले लेते हैं स्टार्टअप बिजनेस का, कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ, स्टार्टअप बिज़नेस का मतलब क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपके करने वाला हूँ कि अगर आपके स्पेलिंग, आपकी ग्रामर गलत भी हो जाती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी इंग्लिश कम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उल्टा पुल्टा लिख कर दिखाता हूँ आपको, द टॉपिक स्टार्ट बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस मेक अ डिटेल्स। अब यहाँ पर ऑप्शन मैंने दिया गया था टॉपिक स्टार्टअप बिजनेस मेक अ डिटेल, जैसे यानी मैंने कहने का मना मारा था ये है कि ये वाला जो पोर्शन है दूसरे वाला इसको मुझे डिटेल के साथ चाहिए कि भाई आपने ये क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये मेरे अल्फाज को समझता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपने वैसे ही क्लिक करना है, आप देखें वो भाई मेरी जो ग्रामर थी, मेरी जो स्पेलिंग, आप यहाँ पर डिटेल के स्पेलिंग दे सकते हैं, गलत लिखे हुए हैं, बिजनेस वगैरह के भी ऑलमोस्ट गलत ही हैं, यहाँ पर डिटेल के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्रामर की ऐसी की तैसी हुई है, लेकिन जो है वो यहाँ पर उस चैट जीपीटी की जो वेबसाइट उसने समझ लग चुकी है कि मेरे कहने का क्या मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दे सकते हैं मुझे 7 उसने स्टेप बता दिए हैं जो कि बिज़नेस के अंदर यूज़ होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिज़नेस, योर बिज़नेस आइडिया एंड मार्केटिंग हो सकता है, क्रिएट अ बिज़नेस प्लान हो सकता है, चूज अ लीगल जो है वो स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरीके से उसने मुझे इसका जवाब जो है वो दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर वर्क जो है वो करना है, ठीक है। सिंपल हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था एक हाउ टू मेक अ मनी, ठीक है, उसने हमें इसकी डिटेल बता दी। अब हमें एक पोर्शन हमारा ये वाला था कि स्टार्टअप बिज़नेस किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसने चैट जीपीटी ने भी आगे हमें उसकी डिटेल जो है बता दी। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हो तो आप इससे कह सकते हैं मेक अ सिंपल, मैं आपको कह देता हूँ मेक अ सिंपल आई डू नॉट अंडरस्टैंड
मैंने स्पेलिंग भी गलत आपके जानबूझ के लिखा ना, ताकि आपको पता लग जाए अगर आपके इंग्लिश स्पेलिंग के गलत भी हैं तब भी आपको ये ठीक है आप दे सकते हैं। उसने मुझे यहाँ पर दो दो तीन तीन लाइनों के अंदर वो मुझे समझा रहा था, अब उसने मुझे सिंपल एक लाइन के अंदर वो समझा रहा है कि भाई ये कर लें ये कर लें वो कर लें। ठीक है, तो आप इसको डिटेल के साथ चाहते हैं मतलब शॉर्ट चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप कॉन्टेंट चाहते हैं ये आपको बना के दे देगा। ठीक है, अब हम इस वेबसाइट अब यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने पहले बात की आप सिर्फ कॉन्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कोडिंग भी कर सकते हैं बहुत आसानी। अब यहाँ पर ये वाला जो आंसर मैं इसको कहूँगा कि आप इसको HTML के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जो वेबसाइट बनाते हैं उसको बेहतर पता है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ मेक दिस HTML कोड। ठीक है, मैं जानबूझकर यहाँ पर स्पेलिंग की गलती कर रहा हूँ, ग्रामर की गलती कर रहा हूँ, ताकि अगर आपकी ग्रामर में बार बार कह रहा हूँ गलत भी है स्पेलिंग गलत भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर मैंने लिखा है मेक दिस इन HTML कोडिंग, अब देखते हैं आई पोलिजाइज बट द AI मॉडल इज नॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने मुझे HTML के अंदर ये चीज़ बनाना शुरू कर दी है। अब मेरे ख्याल से तो ये था कि भाई HTML पर हम वेबसाइट बना सकते हैं, यहाँ पर उसने मुझे आंसर जो दिया इस जो मेरी तवक्कात थी उसके बिल्कुल डिफरेंट दिया। उसने कहा आई अपोलोजाइज बट एज द AI मॉडल आई डो नॉट एबल टू राइट आ रन कोड ऑन कंप्यूटर, however I can provide you in with HTML code or basic web page layout which is using starting the point of a customized of chronic unit। उसने कहा मैं आपको मुकम्मल तौर पर एक जो वेबसाइट वो क्रिएट करके नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको एक लेआउट जो है वो उसका प्रोवाइड आपको कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो लोग जो कहते हैं कि भाई वेबसाइट क्रिएट किया जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है मगर एक लेआउट की बेस के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इसको वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, एक एक चीज़ इसको बतानी होगी ये वाली ठीक है, फिर जाकर आप इससे वो वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बात मेरी यकीन समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाउ टू मेक अ मनी दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिखना है कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी मामला पूछ सकते हैं, आप इससे कह सकते हैं भाई मेरी कंपनी के अंदर मुझे लॉस हुआ है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ कर चली गई है अब मैं क्या करूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाद में यहाँ पर लिखता हूँ आई लव यू। ठीक है, आई लव यू, ये आप देखते हैं क्या देता है। अब ये आंसर जो देगा ना आप हैरान रह जाएंगे इसके ऊपर। अब यहाँ पर उसने देखा थैंक यू फॉर यू आर काइंड वर्ड्स एंड AI मॉडल आई डो नॉट एबल हैव अ फीलिंग बट आई एम ऑलवेज बी हेल्प यू एनी क्वेश्चन टू यू। उसने भाई कितनी कमाल का जवाब दिया उसने, मैं AI मॉडल हूँ लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं आपके इन तमाम तर जो क्वेश्चन है उसके मदद के लिए हर टाइम आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर मौजूद हूँ और थैंक यू आपके इसके खूबसूरत अल्फाज का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई आपकी ये किस तरीके से आपके साथ ये बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तमाम चीज़ें होपफुली आपको समझ लग चुकी होंगी, अगर आपको समझ नहीं लगी थोड़ी सी वीडियो आप पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये वाला जो इंटरफेस है हमारा ये वाला इसको तो हमने समझ लिया है कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन क्रिएट करना है और यहाँ से आपने क्वेश्चन जो है सेंड कर देना, आगे से जो AI मॉडल है वो हमें इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो बना के देगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा पोर्शन है वो हम ये वाला पोर्शन समझेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है वो ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू चैट का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे ही हम न्यू चैट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जिस तरह मोबाइल के अंदर हम न्यू टेक्स्ट ओपन करते हैं सेम यही चीज़ है, जैसे हम न्यू टेक्स्ट पर ओपन करेंगे तो हम एक नए बॉक्स के अंदर जो है वो चले जाएंगे, जहाँ पर हम एक नई जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ChatGPT को दे सकते हैं, नई रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाले जो पोर्शन है ये सेम SMS की तरह है कि जिस तरह हमारा कोई फ्रेंड है, कोई बबलू, कोई सनी, कोई चीता मीता टल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर उसके नेम आ जाते हैं कि भाई इसके साथ हमने बात की, इसके साथ बात की, जो भी आप टॉपिक सर्च करते हैं वो जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि हमने ये वाला टॉपिक अभी सर्च किया था वे टू मेक अ मनी, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी चैट आ गई, ये हमारी जितनी मुकम्मल हमने चैट की थी वो ये आ चुकी है। ठीक है, वो तो आपका एक स्पेशल अकाउंट बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट चली जाती है और आपने इतनी लंबी रिसर्च की है, आप अपना डाटा जो है ढूंढ रहे हैं तो आपकी लाइट चली जाए, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो इसके घबराने की जरूरत नहीं, आपका डाटा जितना भी आपने रिसर्च किया वो यहाँ पर सेव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पोर्शन में डिफरेंट पोर्शन के अंदर मैंने रिसर्च की हो, यहाँ से आप सिंपल जो है मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से हमने सर्च करनी है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया, न्यू चैट ऑप्शन है, यहाँ पर वो चैट्स आ जाती हैं जो आपने क्रिएट की। यहाँ पर अब एक और चीज़ समझा देता हूँ, अब यहाँ पर आप उस चैट का नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं कभी इतनी ज़्यादा यहाँ पर चैट हो चुकी हैं, कभी कौन सी चैट मैंने मेरे टॉपिक की, यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर मैं अपने नाम चेंज कर मेक मनी
अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा भाई ये वाला पोर्शन था जिसके अंदर मैंने फ़लाँ जो है वो रिसर्च की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पोर्शन को डिलीट करना चाहे बाद का, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा चैट्स हो जाती हैं कि बाद का ये वेबसाइट जाम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेबसाइट जो है वो स्लो होना शुरू हो जाए तो यहाँ से जो चैट ऑप्शन है उसको आप डिलीट कर दें, तो वेबसाइट की जो स्पीड है वो नॉर्मल हो जाएगी। जहाँ पर आप डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर आप टिक के ऊपर क्लिक करें तो ये हमारी चैट डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं ये वाला पोर्शन, हमने ये वाला पोर्शन समझ लिया, अब ये वाला पोर्शन भी हमने समझ लिया, अब पोर्शन है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, क्लियर कन्वर्सेशन का। सबसे पहला बटन हमारा जो बटन है वो क्लियर कन्वर्सेशन है। बाज़ का तो हमारी वेबसाइट ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमें 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो है टाइप होना शुरू होता है, ठीक है। जब ऐसा शुरू हो तो आपने क्लियर कन्वर्सेशन करनी है। तो क्लियर कन्वर्सेशन से होगा क्या कि आपकी यहाँ पर जितनी भी चैट है, एक स्टेप तो ये है कि आप एक एक करके यहाँ पर फाइल को डिलीट करें, और एक स्टेप है यहाँ पर आप मुकम्मल जो है वो जिसको हम फॉरवर्ड कहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लियर कन्वर्सेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पूरी की पूरी चैट उसने ख़त्म कर दी है। जैसे ही आप क्लियर कन्वर्सेशन करेंगे तो यहाँ पर चैट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जो भी डाटा आप सर्च कर रहे हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी, तो क्लियर कन्वर्सेशन का जो बटन था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आई लव यू लिख देते हैं, दोबारा आई लव यू मैंने जिससे लिखा, अब इसने मुझे वही आंसर जो हमें पहले दिया था वो उसने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर कन्वर्सेशन का बटन दोबारा हमारे पास दोबारा आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये हम देखते हैं, अपग्रेड टू प्लस। देखें पहले कुछ दिन पहले जो है वो का एक दो माह पहले, अब यहाँ पर जो फ्री वर्जन इसका हम ये वाला जो हमारा हम जो ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप इसकी बाज़ुकात इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बाज़ुकात इसको हम एक घंटा मुसलसल यूज़ करते रहें तो बाद में हमें ये एरर भी दे देता है कि आप एक घंटे मुसलसल यूज़ करें, आप थोड़ा सा रेस्ट करें और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने दें, ठीक है। तो आप अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहे, आपको कोई जो है परेशानी ना आए, ठीक है, आपको कोई एरर ना मिले, तो आप यहाँ से अपग्रेड टू प्लस कर सकते। हम फ्री वर्जन जो है वो यूज़ करें, आप देख सकते हैं अवेलेबल व्हेन डिमांडिंग इन डो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स स्पीड, उसने कहा कि भाई हम जो स्पीड होगी वो इक्वल होगी, थोड़ी सी लो होगी, पहले जो है $10 था अब उन्होंने $20 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई स्पीड आपको मिलती है, ठीक है, रिस्पॉन्स स्पीड के साथ मिलता है। न्यू फीचर जो इसके अंदर जब भी न्यू फीचर डिवेल्प किए जाएंगे तो सबसे पहले जो प्रीमियम वर्जन आने वाले होंगे लोग वो इसको यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से पर मंथ $20 पे करके इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड करने से एक फ़ायदा ये होता है कि भाई आपको और ज़्यादा जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो फ्री वाली चीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड आपको होती है लेकिन थोड़ी सी कम, ठीक है। अब यहाँ पर जो निचला ऑप्शन है डार्क मोड का है, तो डार्क मोड ये आपको ब्लैक हो जाता है जैसे कि हमारे मोबाइलों में भी होता है, ठीक है, ताकि हमारी आइज़ के लिए वो प्रोटेक्शन हो। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अपडेट्स एफएक्यू, यानी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर आता है आपको, तो आप वो सॉल्व आउट नहीं करें तो यहाँ आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन भी बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो कोई आर्टिकल आपने सर्च करें, कोई एरर आपको मिलता है, कोई परेशानी आती है, जहाँ से आप वो तमाम तो चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ अ लॉगआउट, यानी आप मुकम्मल इसको बंद कर देंगे, लॉगआउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल मैंने ये वाला इंटरफेस भी आपको समझा दिया किस तरीके से आपने रिसर्च करना है, किस तरीके से यहाँ पर रिसर्च करना है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन रिसर्च करना है, यहाँ पर आपके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और या ये वाला इंटरफेस मैंने आपको समझा दिया कि न्यू चैट है उसके ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, ये वाला ऑप्शन भी समझा दिया कि ये किसके लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ अब मैंने आपको मुकम्मल जो है डिटेल समझा दी है किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। जी जैसा कि आपने देखा कि भाई कितना ज़्यादा इजी है इसको यूज़ करना, सिंपल आपने टाइप करना है कोई भी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाता है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई आपका सवाल है तो आप यहाँ पर टाइप करें तो आपको उसका आंसर जो है वो ये दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा साइंटिस्ट हैं या फिर आप एक स्टूडेंट है, आपको कुछ एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इससे पूछ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर वो आपको निकाल कर दे देगा। मैंने आपको इसका मुकम्मल इंटरफेस भी समझा दिया है किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है, कौन सी चीज़ें हम इसके ऊपर सर्च नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको तफसील के साथ बता दी है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूं आपको तमाम सारी चीजें समझ लग चुकी होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।